जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में हुआ था खूनी संघर्ष। मामले से जुड़े आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर थाने में धरना प्रदर्शन। विराटनगर कस्बे के वार्ड नंबर 20 पेरावाली ढाणी में शुक्रवार को जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। मामले को लेकर भाजपा पूर्व प्रदेश महामंत्री कुलदीप धनखड़ के नेतृत्व में विराटनगर थाने में धरना प्रदर्शन किया। वहीं घटनाक्रम को लेकर धनखड़ ने कहा, विराटनगर शहर में बहुत ही निंदनीय अमानवीय घटनाक्रम होते आ रहे हैं। धनखड़ ने पुलिस प्रशासन सहित संबंधित अधिकारी पर आरोप लगाते हुए कहा, मौन बैठे हुए हैं। मामले को लेकर धनखड़ ने पीड़ित परिवार और आमजन से मुलाकात कर मानवता को झकझोरने वाले घटनाक्रम की जानकारी ली और आमजन के साथ मुख्य मार्ग से पैदल शांति मार्च निकालकर संबंधित सभी पुलिस प्रशासन और उपकरण अधिकारी की मौजूदगी में पुलिस थाने में जल्द ही सख्त से सख्त दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों से वार्ता में जनता ने पुलिस से मामले में जुड़े आरोपियों पर सख्त से सख्त 5 दिन के अंदर ही कार्यवाही करने की मांग की। वहीं ASP राम कुमार कस्बा ने आश्वासन देते हुए बताया कि मामले में जुड़े आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। कानून सभी के लिए समान है, चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति हो। इस दौरान विराटनगर SDM राजवीर सिंह यादव, कोटपुतली अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राम कुमार कस्बा, शाहपुरा वृत्ताधिकारी सुरेंद्र कृष्णिया, विराटनगर थाना अधिकारी रामावतार मीणा, मय जापते और प्रतिनिधियों द्वारा कस्बे वासी लोग उपस्थित रहे। ये था मामला। कस्बे के वार्ड नंबर 20 बेरावाली ढाणी में शुक्रवार को जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। इस दौरान आधा दर्जन लोग घायल हो गए। बता दें कि जमीनी विवाद के मामले को लेकर उपजा था विवाद, जो कि कुछ ही पलों में मौत के तांडव में बदल गया। खूनी संघर्ष में 3 महिलाएं गंभीर घायल हो गईं, साथ ही एक महिला का हाथ कट गया था। वहीं आसपास के लोगों ने घायलों को राजकीय अस्पताल भिजवाया, जहां पर हालात गंभीर होने के कारण प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जयपुर रेफर किया गया। कल विराटनगर में पाचू राम सैनी के परिवार के साथ सघन घटनाक्रम घटित हुआ, जिसमें एक महिला का हाथ काट दिया गया, ब्रेस्ट पे भी काफ़ी चोटें मारी गई, सर में चोटें मारी गई। आज मैं पीड़ित परिवार से मिला और मिलने के बाद सबने तय किया कि शांति मार्च निकालें और थाने में जाएं, वहाँ सभी अधिकारियों से बातचीत करें। आज सभी जनता के साथ थाने पर जाकर वहाँ संबंधित सभी अधिकारियों से बातचीत करी। इस दौरान एडिशनल SP कोटपुतली, डिप्टी SP शाहपुरा, थाना प्रभारी विराटनगर के साथ बातचीत हुई और सब लोगों ने एक ही मांग की कि जो भी लोग इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाया जाए। जब तक न्याय नहीं होगा तब तक हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। 5 दिन का समय हमने पुलिस प्रशासन को दिया है। उपखंड अधिकारी महोदय विराटनगर उपस्थित थे। हमने कहा है कि 5 दिन में दोषी लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें, अन्यथा रणनीति बनाकर हम कार्रवाई करेंगे। क्योंकि जिस प्रकार से विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में आए दिन इस प्रकार के घटनाक्रम घटित हो रहे हैं, यहाँ पूरा शांति यहाँ की भंग हो चुकी है, पुलिस प्रशासन बिल्कुल नाकाम हो चुका है। और साथ ही एडिशनल SP कोटपुतली ने कहा है कि तत्काल प्रभाव से इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे कितना ही बड़ा आदमी हो, वो इससे कानून के दायरे में रहेगा, कानून से बाहर नहीं जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई हम करेंगे। इन सब बातों को लेकर आज हमने शांति मार्च किया है, पीड़ित पक्ष के साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।